अभी महिलाओं ने आवाज नहीं उठाई। मैंने आवाज उठाई थी, मैंने संघर्ष किया था, मैं हूँ नागली। ये उस समय की बात है जब केरल और देश के अन्य इलाकों में दलित और पिछड़ी महिलाओं को अपना स्तर रखने का अधिकार नहीं था। उन्हें स्तर रखने के लिए राजा को पैसा देना पड़ता था। मैंने दलित महिलाओं को हो रहे अत्याचार के विरोध में अपना स्तर काट के पैसे के बदले राजा को दे दिया। मैं शहीद हुई, पर मेरे संघर्ष से दलित महिलाओं ने अपना स्तन ढकने और ब्लाउज पहनने का हक लड़कर जीता। और मैं भी लड़ी, मैं हूँ सावित्री बाई फुले। मैंने उस समय महिलाओं को शिक्षित करने के लिए नारा दिया था, जिस समय ये कहकर महिलाओं को डराया जाता था कि अगर वो पढ़ेंगी तो उनका पति मर जाएगा। ले और मैंने उस समय पहला महिला स्कूल खोला जिसमें महिलाएं पढ़ती थी, लेकिन जब मैं उन्हें पढ़ाने जाती थी तो मुझ पर गोबर और पत्थर फेंके गए, लेकिन मैंने तब भी हार नहीं मानी। और साथ इसके साथ साथ मैंने बाल विवाह को रोकने और विधवा विवाह को शुरू करने के लिए भी संघर्ष किया था। और मैं भी लड़ी थी, मैं हूँ गोदावरी और लेकर मैंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। मैं देश की पहली महिला वकील थी। मैंने आदिवासी महिलाओं के साथ मिलकर जमींदारों के शोषण, अत्याचार, बलात्कार और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ संघर्ष किया था। और मैं हूँ क्लारा जेटकिन। मैंने अलग अलग देशों के महिला संगठन, महिला आंदोलन से जुड़कर पूरे विश्व के महिला आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। महिलाओं के लिए वोट का अधिकार, महिला मजदूरों को 8 घंटे काम करने का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार और बाल मजदूरी रोकने के लिए मैंने महिला मजदूरों को लामबंद करने का काम किया। और महिला आंदोलन से ही तो महान रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। मैंने अन्य समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कामगार महिला दिवस की घोषणा की। तब से लेके अब तक यह दिन महिला आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। और हम इस दिन पुराने संघर्ष को याद करती हैं और सीखते हैं और आगे के संघर्ष के लिए संकल्प करते हैं। 1 मिनट।